हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जिन लोगों का स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर हो चुका है पुराने कंपनी से नए कंपनी में, ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद भी इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर के बारे में, क्यूआर पोर्टल के बारे में पता नहीं है, उनको एक मैं क्विक अपडेट दे देता हूँ। जब भी हमें कंपनी या फिर जॉब चेंज करना रहता है सऊदी में रहते हुए एक कंपनी से दूसरे कंपनी, तो एक ऑप्शन है कि हम सऊदी में रहते हुए पुराने कंपनी से नए कंपनी में जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का एक वेबसाइट है, क्यूआर पोर्टल जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज करना रहता है, कुछ प्रोसेस करना रहता है और वो ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आपका ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाता है पुराने कंपनी के अप्रूवल के बगैर। क्यूआर पोर्टल के बारे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, स्टेप ट्रांसफ़र होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट अपडेट हो जाए कि क्यूआर पोर्टल में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब आते हैं आज के टॉपिक में। जिन लोगों का, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इकामा ऑलरेडी, जिनका स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है पुराने कंपनी से नए कंपनी में, लेकिन उनका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है। जब भी आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है, जब आपके जो नए कंपनी ट्रांसफ़र फी पे कर देता है, तो आपके अफसर में वो नया कंपनी का नाम दिखने लगता है। इसके बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी इंश्योरेंस बनाता है आपका। एक बार इंश्योरेंस बन गया तो वर्क परमिट का पेमेंट पे करता है, इसके बाद इकामा का पेमेंट पे करता है और इकामा को रिन्यू करता है। इंश्योरेंस आपका हो गया, वर्क परमिट भी आपका बन गया, इकामा का जब रिन्यू करने के लिए वो जाते हैं तो नहीं हो पा रहा होता है। क्यों नहीं हो पा रहा होता है, उसके पीछे दो कारण होते हैं मेजर। पहला ये कि आपके नाम पे कोई एग्जिट री एंट्री वीज़ा पहले था होगा जो आपने यूज़ नहीं करा और वो एक्सपायर हो गया, वो एक कारण है, कॉमन सा कारण है जिसके वजह से इकामा रिन्यू नहीं होता है। दूसरा एक कारण कि आपके नाम पे कोई एग्जिट वीज़ा इशू किया गया हो। ये एग्जिट वीज़ा इशू किया होगा तो पहली बात तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिसमें शायद इकामा एक साल के जगह दो साल रिन्यू किया जाता है, तो कुछ प्रोसेस है, इसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफ़र होने के बाद में ये पता चला कि उनके नाम पे एग्जिट वीज़ा है और उनका इकामा रिन्यू नहीं हो सकता जब तक वो एग्जिट वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले सिनेरियो के बारे में। और एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो सऊदीजाइजेशन के कैटेगरी में आता हो। आपके जो प्रोफेशन है, आपके इकामा में जो प्रोफेशन लिखा हुआ है, वो क्या पता सऊदी के लिए रिजर्व हो, इसलिए भी रिन्यू नहीं हो सकता है। ओके, तो ये मेजर तीन कारण हो सकते हैं। बात करते हैं पहला कारण का कि अगर आपके नाम पे कोई एग्जिट रीएंट्री वीज़ा था लेकिन आपने उसे यूज़ नहीं करा, एक्सपायर हो गया, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। उसके लिए आपको वो एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या पहला ऑप्शन ये है कि आपका जो पुराना कंपनी जिसने ये इशू करा था वो कैंसिल करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो करेंट कंपनी आपका, जहाँ पे अभी आप ट्रांसफ़र हुए हैं, वो कंपनी एक लेटर हेड में लिख के दे कि ये ट्रांसफ़र हो चुका है। वो जवाजात में जब आप जाएंगे तो वो बता देगा कैसा लेटर चाहिए, स्टम्प करके जवाजात में सबमिट करे और 1000 रियाल का फीस पे करे, तब वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पहला बात ये है, अगर आपका कोई एग्जिट रीएंट्री वीज़ा है तो उसे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसी समय कैंसिल करवा लीजिए अपने स्पॉन्सर से, नहीं तो फिर आपको इस तरह का परेशानी होगा। अब बात करते हैं दूसरा कैटेगरी का, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके नाम पे एग्जिट वीज़ा इशू है, एग्जिट वीज़ा इशू है तो जिसने इशू किया वो तो कैंसिल ही कर सकता है। और अगर वो कंपनी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो मुझे लगता है एक ही कारण होगा, एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, इंडिया वापस जाने का, इंडिया जाने का और फिर वापस आने का। लेकिन इसमें भी एक और प्रॉब्लम है, अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो क्या कैसे जाएंगे आप। ओके, क्या पता वो 60 डेज़ का जो एग्ज़िट वीज़ा है वो ऑलरेडी
एक्सीड हो गया हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, अगर ऐसा सिनारियो है कि एग्जिट वीज़ा इशू है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा। और जो तीसरा सिनारियो है कि अगर आपका जो प्रोफेशन है अगर सऊदी आईएसएन कैटेगरी में आता है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा, उस केस में आपका या तो इकामा में प्रोफेशन चेंज करवाना पड़ेगा या तो आपको वापस अपने देश जाने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है तो कैसे चेक करना है। ओके, उनको यही सवाल पूछना है कि क्या मेरा एग्जिट रीएंट्री वीज़ा इशू हुआ है, क्या मेरे नाम पे एग्जिट वीज़ा इशू है ऑलरेडी, क्या मेरा प्रोफेशन सऊदी आईएसएन कैटेगरी में आता है। तो ये सारे सवाल पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि उस समय आपको ये क्लियरली नहीं पता चलता है वहाँ पर कि आपके नाम पर क्या प्रॉब्लम है, किसके वजह से इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है। ओके, और सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करे हैं, वो सऊदी लेबर लॉ वाले प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने, अगर थंबनेल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अंदर में क्या है। ओके, और एक मैंने चैनल बनाया है अपने ब्लॉग चैनल, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट करा हूँ, बहरेन के कुछ वीडियोस है, जाके देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।